घड़ी ने बजा दी है सुबह के 5:30। आज है दिन शनिवार और 11 मार्च। तो सावनी आज जा रही है स्कूल के साथ अपने पिकनिक लखनऊ के लिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अजिताज लाइफ। मैं अजिता शुक्ला सभी का अपने चैनल अजिताज लाइफ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। तो मैं आप ब्रश कर रही हूँ और सावनी यहाँ पे तैयार हो रही, मुझसे रिक्वेस्ट कर रही मम्मा थोड़ा जल्दी जल्दी करो क्योंकि 6:15 बस निकल जाएगी। तो चलिए तब तक बाहर देख लेते हैं, बाहर अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है। तब पहले मैं ताला खोल देती हूँ, अभी सुनील आने ही वाले होंगे। सावनी ने इनको फ़ोन कर दिया है कि जल्दी आइए, और बाहर केवल चिड़ियों की चरचराहट की आवाज़ आ रही, बाकी भी बहुत अंधेरा हो रहा है। तो सावनी आज पहली बार पिकनिक जा रही है अकेले, इतना दूर अकेले। क्या स्कूल के बच्चे तो हैं ही, लेकिन पहली बार इतना दूर कहीं जा रही है। और यहाँ मैडम की चोटी उनके हिसाब से नहीं बधी थी तो फिर से बांधने लग गई थी, और इसके पास अपने पापा को कर रही है फ़ोन। भैया सावनी जा रही है पिकनिक, पहली बार पिकनिक जा रही हैं, और इनका ये है बस्ता बैग। चलो सीक्रेट लग रहा है। हैंकी ले ली, अम्मा बॉटल ले ली, ये ले ली, और कुछ नहीं ले रहा ना। नहीं, खुशी के मारे सावनी फूली नहीं समा रही, बहुत ज्यादा खुश है। घड़ी पहनना भूल गई है, जल्दी करो नहीं तो बस चली जाएगी तुम्हारी। घड़ी पहने अपनी। चलो, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट सावनी को है, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझको और सुनील को है, क्योंकि पहली बार इतना दूर वो पिकनिक जा रही है। नहीं तो इसको हम लोग अकेले कहीं जाने नहीं देते हैं। उसके पापा तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हैं कि सावनी पिकनिक जा रही है। मैं नहीं जाने देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, सावनी ज़रूर जाएगी। चलूँ क्या छोड़ने? अरे पानी नहीं पी। तो चली गई है सावनी पिकनिक। अब मैं भी अपने स्कूल जाने की तैयारी बनाऊंगी। आज थोड़ा मैं भी जल्दी तैयार हो जाऊंगी क्योंकि अब सावनी जा चुकी है, तो मुझे केवल अपना ही काम करना है। पप्पी डार्लिंग आ गई, आ गई, आ गई, कम इन, कम इन, कम इन। हाउ वाज योर टूर? अच्छा चली गई। अच्छा मैं चली गई तो क्या, मैं जाने दी। थैंक्स टू मी। गला बैठा के आई है। चेन भी टूट गई तुम्हारी लड़की, कारनामा कर दी है। चेन इन तोड़ के लेके आई है। वाह भाई वाह, लौटते समय टूटी सही था। सारे झूले थे, मैं 360 वाले झूले पे भी झूली थी, तो जिसमें ऐसे उल्टा कर देते हैं, पूरा छोटी हवा में थी। इसका वो कहाँ गया जो था? इंक्वायरी शुरू हो गई। 250 के बैग का भाड़ा नारा हो गया। कितना पैसा खर्च कर एक ही पिकनिक में? खाता नहीं, पापा गिन ले दिए थे पैसा पहले। बैग का भाड़ा नारा हो गया एक ही पिकनिक में। चेन एन इसकी गायब कर दी लड़की नालायक। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, यानी आज ही का है, 12 मार्च का। तो गोल्डी आज जा रही है सिंगापुर। तो जब भी कोई किसी को कहीं जाना होता है तो इसी तरफ से जाता है, क्योंकि इधर ही मंदिर बना हुआ है, तो भगवान को प्रणाम करते हुए इधर से लोग निकलते हैं। तो ये गोल्डी जा रही है आज सिंगापुर, तो देखिए अब कब वापस आती है। और सुनील जा रहे हैं उसको छोड़ने लखनऊ तक छोड़ के वापस आएंगे। तो होली वाले दिन चला गया था क्योंकि वो बहुत पहले से ही छुट्टी लेके आ गया था, और गोल्डी पीछे आई थी तो वो कुछ दिन और रुक गई थी, तो आज जा रही है। गोल्डी भी चली गई घर में, पूरा सन्नाटा पसर गया, एकदम शांति हो गई। सावनी एकदम उदास हो गई क्योंकि बच्चों का अपनी मौसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, तो आके चुपचाप बिना कुछ बोले अपना लैपटॉप लेके बैठ गई और इधर उधर कुछ करने लग गई। तो मुझे पता चल गया कि ये उदास है, तो मैंने उससे टूर की बात करना शुरू कर दी, इधर उधर की बातें करी, तब जाके वो कुछ खुश हुई। अभी अपना लैपटॉप में बिज़ी हो गई, तो मैं चली गई नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में बनाऊँगी बेसन का चीला। तो मैं, सावनी और मम्मी अब बेसन का चीला खा लेंगे, उसके बाद फिर सीधे लंच ही बनाऊंगी। मम्मी हमेशा ही कहती हैं कि चिड़ियों का तो बसेरा भी हो जाता है, बसेरा ले लेती है, लेकिन इंसान का कोई बसेरा नहीं होता है, दिन रात आदमी चलता ही रहता है।
अब आज गोल्डी भी चली गई तो आज से ही सावनी पूछना शुरू कर देगी अपनी नानी से मुझसे बार बार कि मामा कब आएगा, मौसी कब आएगी। बस ऐसे एक एक दिन पूछते पूछते निकल जाता है और समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता है। फिर एक दिन आता है कि उनके मामा मौसी आ जाते हैं और बच्चों की हुड़दंग शुरू हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। मम्मी तो कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी बीत जा रही है कि सबका इंतज़ार करने में और फिर लोग बच्चे आते हैं और बच्चों को विदा करने में। हम को आ गए थे अंकल आंटी मम्मी से मिलने के लिए। जब पापा का पहली बार सुल्तानपुर ट्रांसफ़र हुआ था तो हम लोगों ने जहाँ रहना शुरू किया था अंकल आंटी वहाँ पहले से ही रहते थे, तो हम लोग की बहुत अच्छी बॉन्डिंग है अंकल आंटी से और मम्मी की तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की शाम बहुत अच्छी हम लोग की बीती, खासकर मम्मी की, क्योंकि मम्मी अपने बहुत पुराने दोस्तों से मिली। तो इसके बाद फिर मैंने बनाई चाय और सावनी ने एक बार अंकल आंटी को चाय बना के पिला दी थी। बना रही मैं आंटी अंकल के लिए अब चाय, एक बार सामने में चाय बना के पिलाई थी, अब इस बार बारी मेरी है तो मेरी चाय बन चुकी है। मैंने इसके बाद छन्नी रख दी थी, गई थी कमरे में मोबाइल लेने के लिए ताकि चाय बहे ना। देखिए आइडिया कितना सही रहता है। चाय एकदम अच्छे से पक चुकी है, अभी छन्ने वाली है कप में। ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर ज़रा भी पसंद आया हो, कुछ ही पसंद आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। तो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बुझी बुझी बहुत अच्छा विचार है। तो भाई 17 दिन से मुलाकात है।